आप उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि रमज़ान की मसरूफियत थी और फिर ईद की मसरूफियत, सो मैं कुछ भी जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। और आज जो है घर में बन रहा है मीठा लबे शीरी, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं। और उसके लिए मैंने लिए हैं रंगीन सेवैया लिए हैं मैंने, और आधा कप के करीब, 1 कप के करीब मैंने चीनी ले ली है, और कुछ जो है वो बादाम मैंने उनको इस तरह क्रश कर लिया है, और रंगीन जो है वो चमचम ली है मैंने। और आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध ले लिया है, और दूध मैंने लिया है ये 1.5 लीटर करीब, और फ्रेश मिल्क है ये। और अब इसको जो है मैं आधी आँच पर इसको मैं पकने के लिए रख रही हूँ, और इसको हम पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। थोड़ा सा इसको पुश कर लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे थोड़ा सा, और जब तक हम वेट करते हैं। अच्छा, तो ये दूध जो है हल्का सा हमारा गर्म, हल्का क्या, अच्छा खासा गर्म हो चुका है, बस इसमें उबाल नहीं आया है। तो इसमें जो है मैंने जो चीनी आपको बताई थी 1 कप, वो चीनी इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी, इसे थोड़ा सा खुश कर लेंगे हम दूध को। अच्छा, ये देखिए दूध को जो है मैंने खुश कर लिया है, ये आप देख रहे होंगे, और इसका कलर भी कितना चेंज हो चुका है। और यहाँ पर देखिए मैंने ये ले लिया है कस्टर्ड ले लिया है, और ये कस्टर्ड मैंने लिया है वैनिला फ्लेवर में। और अब इसको जो है मैंने दूध थोड़ा सा निकाल लिया था, अलग कर लिया था 1/2 कप के जितना, अब इसमें मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसमें मैंने 1, 2, 3 समझे 4 चम्मच के करीब जो है वो मैंने इसमें कस्टर्ड डाला है, और हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए इसमें, लबे शीरे में जितना हमें गाढ़ा चाहिए वो उतने हम उस हिसाब से लेंगे। अभी हम पहले ये डाल के चेक करेंगे कि ये कितना हमें चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करके गिरा हटा निकाल लेंगे हम सारी। और अब हम इसको दूध में शामिल कर लेंगे। अच्छा, तो अब इसमें हमने जो कस्टर्ड घोला था वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए। और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे अपनी ये रंगीन सेवैयाँ जो हमने रखी थी, और इसको अब हम हल्की आंच पे, जब तक हमारी सेवैयाँ पक नहीं जाती जब तक के लिए हम इसको पकाएंगे। अच्छा, तो ये देखिए दूध भी हमारा जो हमने कस्टर्ड डाला था, ये देखिए हमें इतना गाढ़ा चाहिए, ज़्यादा हमें इसका गाढ़ा नहीं चाहिए उधर लबे शीरी में। और सेवैयाँ भी हमारी अच्छे से पक चुकी हैं, रंगीन सेवैयाँ आप देख रहे होंगे, और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, तो फ्रिज में मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा था, अभी ठंडा हो चुका है, और अब हम इसमें जो है हमें जो सामान डालना है गार्निशिंग के लिए वो डालेंगे। सेब ले लिए हैं मैंने 1, उसको इस तरह बारीक सा काट लिया है। आप चाहें तो कोई ऐसा फल यूज़ कर सकते हैं जो पानी, जिसमें जो इसमें जाके पानी ना छोड़ दे, ठीक है, और क्योंकि इसमें जब पानी निकलता है तो फिर वो लबे शीरी का वो मज़ा नहीं रहता, और सेब जो है वो पानी अपना नहीं छोड़ता, तो इसलिए जो है मैंने सेब जो है वो सिलेक्ट किया इसके लिए। और अब जो है जेली ले ली है मैंने, जेली से मैं इसको कवर कर दूँगी। ये रंगीन चमचम जो हमने ली थी वो लगा देंगे हम। और जब हम इसे निकालेंगे तो हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे ऊपर से, इस तरह से हम साइड से नहीं निकालेंगे, हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके निकालेंगे। और ये रहे बादाम, बाकी मैंने जो आधा आधा सामान छोड़ दिया है वो मैंने दूसरी डिश रेडी करनी है, तो उसके लिए जो है वो मैं इसमें डालूंगी,
और ये देखिए हमारा लव्य श्री बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब मैं इसको प्याली में निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए अब मुझे जो है इसको निकालना है, तो मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद जो है वो निकालूँगी, क्योंकि ये कस्टर्ड नहीं है, क्योंकि कस्टर्ड में तो हम ऊपर से गार्निश करके वैसे खाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इसमें मिक्स होनी चाहिए। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट में पिस्ता और काजू भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। और ये हमारा लव्य श्री बिल्कुल रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी से रेडी हुआ है। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लव्य श्री कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे ख़ास कर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।